हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मैं आपको आधुनिक काल के विषय में बताऊंगी और आधुनिक काल के बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से वर्तमान काल तक, ठीक है। देखिए, नामकरण एवं समय सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ चतुर्थ कालखंड को गद की प्रमुखता के कारण गद काल नाम दिया है और इसकी समय सीमा सनवत 1900वीं से 1980वीं अर्थात 1943 ईस्वी से 1923 ईस्वी को स्वीकार की है। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आधुनिक काल के लिए जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वे इस प्रकार है। गद काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसे? आधुनिक काल को। वर्तमान काल किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। और आधुनिक काल किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने। तो याद रखिए, गद काल किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वर्तमान काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने। और आधुनिक काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने। आगे देखे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम गद्य काल इसलिए रखा क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही है। तथापि गद काल कहने से इस काल का प्रचुर परिमाण है। परिमाण में लिखा गया पद्य साहित्य उपेक्षित सा हो जाता है, अतः इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। इस नामकरण में गद्य और पद्य दोनों प्रवृत्तियों का समावेश तो हो ही जाता है। साथ ही यह नाम यह भी बताता है कि इस काल की प्रवृत्तियां पुरानी परंपरा से हटकर नवीन एवं आधुनिक हो गई है। निश्चय ही आधुनिक युग बोध ने साहित्य को दरबारी परिवेश से हटाकर निकालकर जनजीवन के निकट ला दिया है। गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठल नाथ जी ने श्री श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा ग्रंथ में लिखा था, जिसकी भाषा अपरिमार्जित एवं अव्यवस्थित है। इसके उपरांत वार्ता साहित्य की रचना गद्य में हुई। यद्यपि अब तक शताधिक वार्ता ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं, पर महत्वपूर्ण दो ही ग्रंथ है, 84 वैष्णव की वार्ता जो गोसाई गोकुलनाथ ने लिखा, 252 वैष्णव की वार्ता जो गोसाई गोकुलनाथ ने लिखा ग्रंथ। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों और 252 वैष्णव की वार्ता में गोसाई विठल नाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। गोसाई गोकुलनाथ वल्लभाचार्य के पौत्र थे। गोसाई गोकुलनाथ किसके पौत्र? पौत्र का मतलब पोते थे, पौत्र थे, तो ये थे वल्लभाचार्य के पौत्र थे। वल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य गोसाई विठल नाथ और गोसाई गोकुलनाथ के वचना अमृत पर आधारित है। वल्लभ संप्रदाय का वार्ता किससे संबंधित, किससे, किस पर आधारित है? तो वार्ता साहित्य गोसाई विठल नाथ और गोसाई गोकुलनाथ के वचनामृत पर आधारित है, जिसे लिपिबद्ध करने का कार्य श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट और हरि राय ने किया। हरि राय की गणना ब्रज भाषा गदकारों में सबसे ऊपर की जाती है। कथात्मक और तथ्य निरूपक दोनों प्रकारों का गद हरि राय
हरि राय जी ने लिखा है। इन गद रचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। रस का नाम, रचयिता और रचनाकाल। रचना का नाम श्रृंगार रस मंडन गोसाई विठलनाथ ने लिखी, ठीक है। अब देखिए 84 वैष्णव की वार्ता किसने, किसका ग्रंथ है, किस कौन है इसके रचयिता, तो गोकुलनाथ। और कब लिखी, 17वीं सती के उत्तरार्ध में। 252 वैष्णव की वार्ता ये किसका ग्रंथ, किस कौन है इसके रचयिता, तो इसके रचयिता गोकुलनाथ जी है। अष्टयाम नाभादास ने, और इसका रचना का इसका समय है, रचना काल का समय है 1603 ईस्वी में लिखा। अघहन महातम में बैकुंड मणि शुक्ल ने 1627 ईस्वी में, और वैशाख महातम में वैकुंड मणि शुक्ल ने 1627 में, नासी के तो पाख्यान 1703 में, और बैकुंड मणि शुक्ल ने, और वेताल 25 सुरुति मिश्र ने 1710 में, और आयने अकबरी कौन है इसके रचना का, लाला हैरा लाल 1995। खड़ी बोली गद की प्रारंभिक रचनाएं एवं उनके रचयिता। देखिए खड़ी बोली गद की प्रारंभिक रचनाएं उनके रचयिता। देखिए रचना और रचयिता और रचनाकार। चंद छंद वर्णन की महिमा, तो इसके रचयिता कौन है, गंग कवि है, और इसका समय सम्राट अकबर के समय में। भाषा योग वासिष्ठ रामा प्रसाद निरंजनी ने, और कब की इसका रचनाकार 1741 में। पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किसने, कौन है इसके रचयिता, पंडित दौलत राम, और 1766 का इसका रचना काल है। मंडोवर का वर्णन ये अज्ञात है, और 1773-1783 ईस्वी। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल ने, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, तो सुख सागर इसके रचयिता कौन है, मुंशी सदा सुखलाल, और कब हुई इसकी रचना 1818 ईस्वी में, और लाल नियाज। प्रेम सागर लल्लू लाल ने, इसके रचयिता लल्लू लाल है प्रेम सागर के, और रचना इसका समय 1800 ईस्वी में। नासी के तो पाख्यान, तो ये किसने लिखी है, तो ये सदल मिश्र ने, इसके रचयिता सदल मिश्र जी है, और ये भी 1800 ईस्वी में। रानी ये चारों है ना आए हुए हैं, सुख सागर प्रेम सागर नासी केतु फाख्यान और रानी केत की कहानी, तो इसका आंसर होगा इंसा अल्लाह खां 1800 ईस्वी। तो रानी केत की रचना, रानी केत की कहानी, इसके रचयिता कौन है, इंसा अल्लाह खां 1800 ईस्वी। आधुनिक काल का काव्य, आधुनिक काल के काव्य को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। देखिए 6 वर्ग ये कौन कौन से हैं, और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। देखिए भारतेन्दु युगीन काव्य, द्विवेदी युगीन काव्य, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, और नई कविता। तो देखिए भारतीय युगीन काव्य का समय क्या है रहा, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युगीन काव्य का 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और छायावादी काव्य का 1920 से 1936 ईस्वी तक, और प्रगतिवादी काव्य का 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी काव्य 1943 ईस्वी से 1953, और नई कविता का 1953 ईस्वी से वर्तमान तक। तो याद रखिए भारतेन्दु युगीन काव्य 1857 से 1900 तक, और 1900 से 1920 तक, और 1920 से 1936 तक। तीन तीन का कोड बना लीजिए, 57, 1900, 1920
1920 से 36, 36 से 43 और 43 से 53 और 1953 से वर्तमान तक।